वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मराठी फिल्म यानी कि हर हर महादेव के ट्रेलर के बारे में। तो ये फिल्म जो है बेसिकली एक हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा फिल्म होने जा रही है, जहां पर इस फिल्म के ट्रेलर को कल रात को रिलीज़ किया गया था। ट्रेलर तकरीबन 2 मिनट 55 सेकेंड के आसपास का है। ये फिल्म जो है इसी महीने की 25 तारीख को यानी कि दिवाली के मौके पर रिलीज़ हो रही है। फिल्म को मराठी के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ करवाया जाएगा और साथ ही साथ तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा भाषा में भी रिलीज़ करवाया जा रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो ये एक पैन इंडिया फिल्म जो है वो बनने जा रही है। एक पैन इंडिया स्केल पर इस फिल्म को जो है यहां पे रिलीज करवाया जाएगा, जहां पर कल रात को इसके ट्रेलर को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल ओपिनियन जो एक्सपीरियंस था उसे अगर एक लाइन बताने की कोशिश करूं तो कंप्लीट गूजबम्स थे। मतलब ट्रेलर के अंदर एक बार ट्रेलर का जो आखिरी पोर्शन स्टार्ट होता है, जो आखिरी के 50 सेकेंड स्टार्ट होते हैं ना, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शरद केलकर यहां पर बाजी प्रभु देशपांडे जी के रोल के अंदर जो जच रहे हैं, मतलब जो परफॉर्मेंस उनकी यहां पे नजर आ रही है ना, ब्रिलियंट। आज से कुछ महीनों पहले एक मराठी फिल्म आई थी, सेम कहानी सेम इवेंट के साथ आई थी, पावन खिंड नाम की। वहां पर अजय पुरकर जी ने जो है सेम बाजी प्रभु देशपांडे जी का रोल वहां पर प्ले किया था और वो जो कैरेक्टर उन्होंने वहां पर जो परफॉर्मेंस दी थी अजय पुरकर जी ने, वो एक नेक्स्ट लेवल की थी। मतलब आज भी जब मैं इस ट्रेलर को देख रहा था ना, तो उनकी वो परफॉर्मेंस मेरे दिमाग में आ रही थी। मतलब वहां पर उनकी आंखों में जो वो इंटेंसिटी थी ना, वो आज भी मेरे दिमाग में बैठी हुई है। तो मैंने जितनी मराठी फिल्में देखी हुई हैं उसमें से अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो वन ऑफ द मेमोरेबल परफॉर्मेंस वो मेरे लिए रहा है। और यहां पर कल जब मैं इस ट्रेलर को देख रहा था तो पता चला कि हाँ, सेम इवेंट के साथ इस फिल्म की कहानी को भी यहां पर प्रेजेंट किया जाएगा और कास्टिंग जो है वो यहां पर बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। तो एक कैरेक्टर जो ऑलरेडी इतने ब्रिलियंट तरीके से पर्दे पर पेश किया जा चुका है, उसे फिर से बड़े पर्दे पर पेश करना एक दूसरे एक्टर के लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है। और कहना चाहूंगी शरद केलकर का जो काम है इस ट्रेलर के अंदर वो काफी कमाल का नजर आ रहा है। अगेन उनकी जो वॉइस यहां पर हमें सुनने को मिलती है वो कमाल की है, जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ही ब्रिलियंट यहां पर नजर आ रही है। एक चीज मैं कहूंगा कि जो पावन खिंड फिल्म के अंदर जब हमने देखा था तो ये जो कैरेक्टर है यहां पर यानी कि बाजी प्रभु देशपांडे जी और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, वो ऑलरेडी मेरे हिसाब से शायद पिछले पार्ट में सेट हो चुका था। तो वो हमें वहां पर मुझे देखने को नहीं मिला था क्योंकि मैंने जो है पिछले पार्ट्स जो है वहां पर नहीं देखे हुए थे। बट यहां पर इस फिल्म के अंदर देखने को साफ साफ मिल रहा है कि हमें पूरा जो ये बॉन्डिंग हुई है दोनों के बीच की, उसका जो बेस क्रिएट हुआ है वो पूरा शुरुआत से लेकर हमें अंत तक यहां पर देखने को मिलने वाला है, जो कि मैं कहूंगा कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पेशली जिन लोगों ने पावन खिंड फिल्म देखी हुई है, जिन्होंने ये कहानी सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, उन्हें पता है कि ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी मतलब कह सकते हैं कि अपने आप में एक्साइटिंग है। ऑनेस्टली क्लाइमेक्स पोर्शन गूजबम्प्स देने वाला है और उसका एक साफ झलक जो है हमें इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिलता है। जो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं, जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है, ऑनेस्टली मजा आ गया। इसके अलावा जो डायलॉग्स हमें यहाँ पर सुनने को मिलते हैं इस ट्रेलर के अंदर, वो भी बहुत ही बेहतरीन थे। स्पेशली जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कैरेक्टर है यहाँ पर मराठा क्या है उसको जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो जो सीन है पर्टिकुलर बहुत ही बेहतरीन था। प्रोडक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली बजट का इशू रहता है, बहुत लिमिटेड बजट के अंदर फिल्मों को बनाया जाता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी तो डेफिनेटली बाकी मेकर्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा और बजट जो है इनको भी और ज़्यादा मिलने लगेगा कि ये लोग भी जो है एक अच्छे और हाई लेवल पर जाकर फिल्मों को बनाएं। बट फिर भी जो ट्रेलर के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि जितना रिसोर्स है इनके पास उतने के अंदर ही ये काम कर रहे हैं। मतलब जितना मतलब बजट है उतने के अंदर उसी हिसाब से सीन्स को डिजाइन करना, कोई फालतू का VFX ज्यादा यूज नहीं करना, जितना हो सके रियल लोकेशन, नेचुरल लोकेशन पे फिल्मों को शूट करना, भले ही वो लार्जर देन लाइफ वाली फील ना दे पाए बट एटलीस्ट चीजें जो हैं कहीं पर फेक कहीं पर भी नजर नहीं आ पाती हैं। तो ये एक जो इनका अटेम्प्ट रहता है ये मुझे हमेशा से पसंद आया है। पावन खिंड भी जब मैंने देखी थी तब भी ये चीज मुझे काफी पसंद आई थी। तो स्टोरी तो मैं कहूंगा कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कनेक्टिंग है और ट्रेलर से भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। और हाँ, जो कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर जो खून वगैरह के जो छींटे या फिर बहुत सारा खून हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके अंदर लगता है कि आपको जो है वो कुछ एक्स्ट्रा खून निकलता हुआ नजर आता है, तो वो देखते हैं वो फिल्म के अंदर वो किस तरीके का एक्सपीरियंस दे पाता है। अदरवाइज कहना चाहूंगा कि ट्रेलर जो है बहुत ही बेहतरीन था। एक जो गूजबम्प्स वाले मोमेंट क्रिएट करना चाहिए इस टाइप की फिल्मों के ट्रेलर के अंदर, वो क्रिएट करने में पूरी तरीके से कामयाब रहता है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस ट्रेलर को लेकर। अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया है तो आपको ट्रेलर पर्सनली कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, सही तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो से लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।